शमशाबाद एसओटी और चिवंडा पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैन रियासती 7 रुकनी ड्रग्स रैकेट को बेनकाब किया है और उनके कब्जे से 400 किलो गांजा, एक लारी, एक इंडिका कार व दीगर अशिया को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम, उमेश, प्रदीप, सतीश, विशाल, अशोक, अंकुश व दीगर ने जिले खम्बम से रियासत महाराष्ट्र को भारी मकदार में गांजा मुंतकिल करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी गांजे की सप्लाई को नाकाम बना दिया और इसके पसपर्दा तमाम अफराद को बेनकाब किया है, जबकि इस पूरे मामले में मुलविस सुभान और बादशाह नामी अफराद मफरूर बताए गए हैं। मेन आदमी वो है वहाँ, लेकिन सप्लाई करे सो सुभान और बादशाह, ये लोगों एब्सकॉन्डिंग में है। ये पकड़ने के बाद अपने को ये लोग कहाँ से लाए, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर से लाए बोल के बोल रहे। वो लोग खाली नाम सुने, वो कहाँ से आए पूरा मालूम होता। और मेन सप्लायर यही है और बादशाह सुभान है और दूसरा कोई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा। ये हमारा तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारा स्टेट सीएम साहब, ये अपना स्टेट को ये एंटी अभी ड्रग्स के खिलाफ में एक सेपरेट हम टीम फॉर्म करके पूरा ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए कोशिश में है। ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, सोर्स के सोर्सों का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये रेडिंग्स हो रहे। उसके बाद में और आप लोकल कैंप्स में जो भी छोटा मोटा सप्लाई रहता है, जो भी स्लम एरियाज में मासूम लोग यही एडिक्ट हो जाते हैं, सो एडिक्ट लोगों के लिए ये गांजा नहीं है तो ये क्राइम करने को भी तैयार रहते। अगर ये ड्रग गांजा को कंट्रोल करे तो लोगों का हेल्थ भी ठीक हो जाएगा और जो यूथ है मेनली वो एडिक्ट हो रहे ज़्यादा टुवर्ड्स ये ड्रग्स के लिए, सो वो पूरा नज़र में रखते हुए पुलिस पूरा जांच कर रहे। जहाँ भी हो हम अवेयरनेस कैंप भी कंडक्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं अभी आने वाले दिनों में, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में गांवों में जो भी रहता है पब्लिक वार्ड मेंबर, सरपंच, जो भी कॉलेजों में स्टूडेंट्स है, लेक्चरर्स है और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोगों के साथ में काम करके ये पूरा जो अल्टीमेट गोल है वो रीच होना बोले तो सोसाइटी भी, ये समाज में सब लोग पार्टिसिपेट होना। आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँ आम जनता से, सब लोग इकट्ठा होके ऐसा इन्फॉर्मेशन फ्लो आना है, अरे साहब यहाँ ड्रग चल रहा, उन्होंने यही भेज रहा, वो भेज रहा बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए तो हम रेड करके कंट्रोल करने का मौका मिल जाता। सो अब जो भी इन्फॉर्मेशन आए करेक्ट भी होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा इतला दे दिए तो हम लोग रेड करने के लिए हमारा मौका मिलता है। सो आपके माध्यम से हम ये आम जनता से गुजारिश कर रहे, ऐसा करे तो सब मिलके ये ड्रग फ्री स्टेट को बनाने में सबका हाथ चाहिए।